कोरे कैनवास पर संस्कृति के रंगों को भर रहे मंडी जिला के पैड़ी निवासी प्रवीण रावत की पेंटिंग्स एकाएक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पडल मैदान में विभागीय प्रदर्शनी में लगाई गई है। प्रवीण शर्मा को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने BSc की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अम्बाला में स्थित अकादमी से फाइन आर्ट की कोचिंग ली। प्रवीण रावत द्वारा उकेरे गए इन चित्रों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सराहना कर चुके हैं। प्रवीण शर्मा की यह चित्र हिमाचली लोक संस्कृति विशेषकर देव संस्कृति व लोक कला पर आधारित हैं। बचपन में तो जैसे इंटरेस्ट होता है ना, तो नॉर्मली मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, +1 +2, उसके बाद BSc एक साल मैंने मंडी कॉलेज में भी की हुई है, पर इंटरेस्ट इस लाइन में था। तो फिर मेरी स्टडीज जो बेस स्टार्ट हुआ है वो मेरा अम्बाला से स्टार्ट हुआ है। वहाँ पर एक अकेडमी थी, भारत अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, तो वहाँ पे मैंने 1 मंथ कोचिंग ली सबसे पहले, फिर मैंने एक साल चंडीगढ़ लगाया, उसके बाद मेरी डिग्री स्टार्ट हुई जो BFA है, और वो स्टार्ट हुई शिमला आर्ट कॉलेज से, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द फाइन आर्ट्स, और उसका फर्स्ट बैच फर्स्ट डेट में हूँ। और उसके बाद मैं 4 साल के बाद मास्टर्स की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और जो मेरी पेंटिंग्स हैं आप पीछे एक पेंटिंग देख रहे होंगे, सिटी ऑफ द गोल्ड इसका टाइटल है, जो मैंने अभी 2022-23 ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन शिमला की तरफ से इसको नेशनल अवार्ड था, और इससे पहले मेरा एक पेंटिंग को 2018 में नेशनल अवार्ड। प्रवीण रावत की कलाकृतियों को राज्य संग्रहालय की ओर से वर्ष 2018 एवं 2022 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि 2023 की स्मारिका में भी उनके चित्र लगाए गए हैं। वहीं पर कथाकार मुरारी शर्मा की पुस्तक देवकू एक प्रेम कथा का आवरण और भीतरी चित्रांकन भी प्रवीण रावत द्वारा बनाया गया है। मंडी शिवरात्रि मेले में लगी प्रवीण रावत के चित्रों की प्रदर्शनी को लोग चाव से देख रहे हैं। लोगों द्वारा उनके चित्रों की सराहना की जा रही है। देव संस्कृति पर बनाए गए उनके चित्रों की लोगों द्वारा खरीदारी भी की जा रही है। ये आर्ट फॉर्म्स है, कंटेम्पररी इंडियन आर्ट फॉर्म्स है, जो मैंने एक नया स्टाइल डेवलप किया है, इसको हम एक शैली भी बोल सकते हैं, और जो आप फिगर्स देख रहे होंगे है ना, ये सिंप्लीफाई जो हुआ है, ये जैसे हमारा यहाँ हिमाचल का मिनिएचर आर्ट है या इंडिया का मिनिएचर आर्ट है, वहाँ से इंस्पायर होके मैंने ये फिगर्स बनाई हैं। और मैंने बहुत सारी एक इंटरनेशनल आर्ट वर्कशॉप भी करी हुई है जो वेस्ट बंगाल में हुई थी, और ललित कला दिल्ली की तरफ से एक ऑनलाइन चित्रकला कार्यशाला शुरू करी हुई थी कोविड के टाइम में, जिसमें इंडिया के 100 आर्टिस्ट थे, उसमें उसके लिए भी मेरी सिलेक्शन हुई थी, जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जिसका टाइटल था। हाँ जी, और शिमला में मैंने बहुत सारी आर्ट वर्कशॉप करी हुई है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।